कुल जनता तय कर चुकी है। इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं। नहीं, ये गांधी है, पप्पू यादव ही सीमांचल का गांधी है। पूर्णिया जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार निकल गए इंडिया गठबंधन। आएंगे क्या पप्पू यादव? आ गए। आदरणीय तेजस्वी यादव से कहना चाहूंगा, आपने सीट ना देखे, सीमांचल की 7 सीट लूज कर दिया, काम किया, मात्र एक पूर्णिया, निर्दलीय जीतेंगे। इनको कहीं ना कहीं डर है, अपने प्रत्याशी का जमानत बचाने के लिए आए थे, कहीं कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। वो चाहता है कि कोई यादव बिहार में आगे नहीं बढ़े, जमानत जब्त हो जाएगा सब कैंडिडेट का। नहीं, अगर दिल्ली चला गया फिर मेरा खैरियत नहीं है। जब कारवा निकला पूर्णिया की रियासत में तो मातम छा गया भाजपा की सियासत में। भाजपा से लड़ाई कुछ नहीं है, अगर वो अनदेखी किए हैं, निर्दलीय सीट देने का काम करेंगे पप्पू यादव जी। उसको पार्टी का कांग्रेस में विलय और उसके बाद राजद के द्वारा पूर्णिया में उम्मीदवार उतारने के बाद भी पप्पू यादव का मनोबल डाउन नहीं हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निर्दलीय उम्मीदवारी जो है वो पेश करने जा रहे हैं। तस्वीर एक बार देख लीजिए, आप जिधर देखेंगे आपको कार्यकर्ता ही नजर आएंगे, और ये वैसे कार्यकर्ता जिनके अंदर इस बात का एक मलाल है कि इस बार पप्पू यादव को किसी तरीके से निकालना है, किसी तरीके से उनको जिताना है, क्योंकि लालू यादव ने उनके साथ धोखा किया है। जब लालू यादव से मुलाकात हुई, पार्टी का विलय हो गया, फिर भी पूर्णिया में उम्मीदवार उतार दिए गए राजद की तरफ से, और इस बात को लेकर भारी आक्रोश भी है कार्यकर्ताओं में, और एक उत्साह भी है कि पप्पू यादव ने ये हिम्मत दिखाई कि वो पूर्णिया से इस बार आएंगे। क्या लगता है? सही बात है, बिल्कुल सही, एकदम आएंगे। जुनून देख रहे हैं, जुनून देख रहे हैं, लोगों का जुनून देख रहे हैं। आप कहाँ के? हम तो आए हैं जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद से आए हैं, एकदम समर्थन करना है तो अर्बन सिविल पूरी जिले का। हम लोग यहीं का, यहीं का है। हम लोग तेजस्वी यादव लगातार निकल गए इंडिया गठबंधन। आएंगे क्या पप्पू यादव? आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। अभी चुनाव हुआ नहीं, मतलब भीड़ से नहीं लग रहा है, मन में ठान लेंगे। तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? क्यों? वो चाहता है कि कोई यादव बिहार में आगे नहीं बढ़े, इससे इस बात का डर है कि डर है कि नहीं, अगर दिल्ली चला गया फिर मेरा खैरियत नहीं है। अच्छा, चलिए, तो दिल्ली चले गए तो कैरियर नहीं रहेगा क्या? पूरा नारा उड़ा लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये गांधी है, पप्पू यादव ही सीमांचल का गांधी है। आदरणीय तेजस्वी यादव से कहना चाहूंगा, आपने सीट ना देखे, हम लोग भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आपने सीट ना देखे, सीमांचल की 7 सीट लूज करने का काम किया, मात्र एक पूर्णिया, निर्दलीय जीतेंगे ये, और दिखाएंगे अगर सीट देते तो आज 7 सीट इंडिया गठबंधन का रहता। जो नाले कभी दिन और रात में अवकाश, जो ना कया हो कभी परिवार का विकास, यही करेगा पूर्णिया का विकास। ये बीमा भारती का मजबूत कैंडिडेट नहीं है? यादव का तो वोट चला जाएगा। बीमा भारती IPL में, सुनिए, अभी अभिषेक शर्मा 18 बॉल पे 50 रन मारा है, बीमा भारती वो है, और पप्पू यादव सचिन तेंदुलकर है। सचिन है, सचिन, सुनिए, IPL से तुलना, सुनिए, सचिन 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 का हर दिल में जगह है, हर घर में जगह है, हर दिल में प्यार और हर जगह विश्वास। तो मतलब पप्पू यादव इस बार आ रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगा सब कैंडिडेट। तेजस्वी यादव नाम सुनते भड़क जा रहे हैं, नहीं से उम्मीदवारी पे वो भड़क रहे हैं ना, अगर वो भड़क रहे हैं उनकी बेवकूफी है, क्योंकि जो समाज से वो आते हैं वही समाज से पप्पू यादव आते हैं, ऐसा कोई नहीं है उनके, ऐसा कभी नहीं था जो पप्पू यादव जी कभी RJD का साथ ना दिया हो, हर हमेशा, अभी हमारे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बोला, जब जब लालू जी को जरूरत पड़ी थी तब तब मैं साथ था, फिर मैंने क्या विश्वासघात किया, आप बताएं। क्या लगता है इस बार कौन आने वाला? बिल्कुल जनता तय कर चुकी है, इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में। बीमा भारती, तेजस्वी यादव आए थे नॉमिनेशन में, चार लोकसभा में नहीं गए थे लेकिन इसमें जरूर आए थे। देखिए, उनको कहीं ना कहीं डर है, अपने प्रत्याशी का जमानत बचाने के लिए आए थे, कहीं कहीं कुछ नहीं चलने वाला है, केवल पप्पू यादव जी का इस बार जलवा चलेगा, और पप्पू यादव जी एक तरफा जीत रहे हैं, बिहार सहित पूरा देश का समर्थन इनको मिल रहा है, सब लोग अपील कर रहा है कि पप्पू यादव जी को पूर्णिया के लोग और पूर्णिया का जनता जनार्दन जिताने का काम करेगा। जिताने का क्या लगता है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जीतने से 200 आदमी का इलाज एम्स दिल्ली में रोज होगा,
ऐसा नेता के हाथ में अधिकार से बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपका बेटा उठा है। नहीं, मेरा बेटा नहीं है, वो सबका पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया का बेटा है, बिहार का बेटा है। पप्पू यादव का कसूर क्या था जो टिकट नहीं दिया गया? कसूर क्या था, क्या कमी रह गई थी उनमें? हाँ। टिकट कटा गया, पूछे कि नहीं आपने कमी? अभी आप बोले पप्पू यादव अभी नहीं भी जीते हुए हैं, तब भी अगर कोई कहीं से भी आप अगर आते हैं इनके पास, ये आपका ये नहीं पूछता कि आप किस जाति से हैं और कहां से आए, बिना पूछे आपका हेल्प करता है। ये लोग हम लोग के बीच की बात है, बीच की बात है। तो चलिए, मदद करते हैं, सांसद रहे चाहे ना रहे, मदद जरूर करते हैं। ये तस्वीर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की है जब पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन करने जा रहे हैं। जब कारवां निकला, जब कारवां निकला पूर्णिया की रियासत में, जब कारवां निकला पूर्णिया की रियासत में, तो मातम छा गया भाजपा की सियासत में। राजद वाले राजद लड़ाई तो राजद से हो गई, राजद से लड़ाई कुछ नहीं है। अगर वो अनदेखी किए हैं, निर्दलीय सीट देने का काम करेंगे पप्पू यादव जी, उसको चाहिए। चलिए, तो इस बार पूर्णिया से कोई निर्दलीय सांसद बनके दिल्ली जाएगा, नाम होगा पप्पू यादव। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।